जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूडपांडा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए होली स्पेशल एक डिश लेके आई हूँ। के लिए मैंने काबली चना लिया है, लहसुन लिया है, ग्रीन चिली लिया है, धनिया पत्ता, इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने अच्छी तरह कोर्सली पीस लिया है। बहुत हम लोग को इसके बहुत ही महीन नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है। और उसके बाद देखिए, अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। आप जितना बनाएं उसके हिसाब से बेसन डालें। और चलिए मैं बताती हूँ, आज मैं बना रही हूँ काबली चना के कबाब। जो इसके बाद मैंने इसमें बेसन के साथ मैंने नमक डाला है, नमक के बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, कतरे हुए चकोर कतरे हुए बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए, साथ में ग्रीन चिली डालिए और कतरे हुए धनिया के पत्ते। और चूँकि हम लोगों ने पहले भी डाला था हरी मिर्च पीसते हुए, इसलिए आप अंदाज से ही हरी मिर्च को डालें, क्योंकि बहुत तीखा हो जाने पर फिर बच्चे और बुज़ुर्ग लोग नहीं खा पाएंगे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और देखिए, ये साइड में मैंने मैदा लिया है, क्योंकि मैदा में हम लोग मैदा की मैं सलरी बनाऊँगी। देखिए, मैदा में मैंने नमक डाल दिया, और मैदा में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ग्रीन चिली पीसे हैं। और मैदा को भी मैं घोल लूँगी। इधर मैं अपने बॉयल काबली चना, जिसे मैंने ग्राइंड किया था अदरक लहसुन के साथ और ग्रीन चिली के साथ, धनिया पत्ता भी था, उसे मैं अच्छी तरह अब इस मिक्सचर को मिला लूँगी, जिसे मैंने बेसन वगैरह डाला था। और अब मैं इसे गोल गोल कबाब के शेप में दे दूँगी, कबाब का शेप। फ्रेंड्स, यह बहुत अच्छी डिश इसलिए है कि इसे बनाकर आप इस तरह से कबाब बनाकर और इसे मैदा के घोल में डुबाकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर आप 2-3 दिन पहले ही डीप फ्रिज में रख दें। और जिस समय आपके होली के दिन, क्योंकि हम लोग किसी के पास टाइम नहीं रहता है होली खेलना, फिर घर को ठीक करना, और गेस्ट भी हमारे घर उस दिन बहुत आते हैं, तो जिस सब आप इसे बनाकर घोल में डुबाकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर रख दें डीप फ्रिज में डब्बे में करके, और जिस समय जब आपके घर में मेहमान आए उस समय आप इसे गर्मा गर्म बस निकालें और गर्मा गर्म तलें और तुरंत दे दें। इसे आप डीप फ्रिज से निकाल कर तुरंत ही तलिए, कुछ भी नहीं होगा और इतने मज़ेदार कुरकुरे बनेंगे जिसका जवाब नहीं है। मैंने इसे डिप करके मैदा में डिप किया था, और डिप करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स सब ऊपर लगा दिया था। और उसके बाद मैंने लगभग ये सारा काम मैंने सुबह किया था, और उसके बाद मैंने डीप फ्रिज में सबों को रख दिया है। और जब मुझे फ्राई करना था तब मैंने थोड़े से निकाले और उसे फ्राई कर लिए। बिल्कुल इसे आप चाहें तो लगभग 1 वीक तक रख सकते हैं, ये कुछ भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन डीप फ्रिज में ही आपको इसे रखना होगा, और आप उतना ही निकालिए जितना आपको फ्राई करना है। होली के लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है, इतनी टेस्टी है, उतनी ही हेल्दी भी है, और बनाने में भी सहूलियत होगी। आप पहले से इसे 2-3 दिन पहले बना के रख दीजिए, और होली के दिन निकाल के बस इसे फ्राई कीजिए, और सलाद और सॉस के साथ मेहमानों को सर्व कीजिए। आपकी बहुत ही प्रशंसा करेंगे, ये कबाब बहुत ही टेस्टी होते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो इसके भीतर थोड़ा चीज़ भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना मसाला इसमें डाला है पीसते समय काबली चना को या ऊपर से, उतने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और अपने आप में कंप्लीट है। और आप तो जानते ही हैं काबली चना कितनी हेल्दी होती है, फुल ऑफ प्रोटीन है। इसमें मैंने ऑनियन डाला है, वो भी बहुत ही अच्छी है, होती है स्वास्थ्य के लिए। साथ ही में मैंने जिंजर गार्लिक और धनिया पत्ते, ताज़े कटे हुए धनिया पत्ते भी डाले हैं। प्लीज़ फ्रेंड, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैंने होली के लिए ये रेसिपी बनाई है, इसे आप लोग प्लीज़ इस बार होली में ज़रूर बनाइए। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तब तो, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो इसे बनाना बनता ही है, क्योंकि बिहार यूपी वगैरह में होली के दिन नॉनवेज भी ज़रूरी बनता है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके यहाँ कटहल के कबाब भी बनते हैं, मैं कोशिश करूँगी कटहल के कबाब भी डालने की। देखिए, बिहार में तो गोली कबाब ज़रूर बनती है, तो मैंने इस बार गोली कबाब को नई शक्ल देने की कोशिश की है, और इसे मैंने काबली चना से बनाया है।
और अब हम लोग इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे और इसी तरह ब्रेड क्रम्स में लपेट के आप इसे डिब्बा में बंद करके डीप फ्रीज में रख दीजिए। आपको एक हफ्ता तक ये ख़राब नहीं होगा और होली के दिन गर्मा गर्म इसे तलिए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। देखिए इसी तरह मैंने अपने सारे कबाब को इसी तरह ब्रेड क्रम्स में लपेट दिया है। ब्रेड क्रम्स में ज़रूर लपेटिए, ब्रेड क्रम्स में लपेटने से ये बहुत ही अच्छा इसका स्ट्रक्चर रहेगा और तलते समय ये बिल्कुल भी ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं करेंगे और बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होंगे, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा वाटर जो भी रहेगा वो ब्रेड क्रम्स सोख लेता है। सलरी को भी हमें ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है। मैदे की सलरी को उसे भी हमें मीडियम रखना है। मैं डेली आप लोगों के लिए होली की डिश एक एक डिश लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी सब कैसी लग रही है और आप लोग कौन सी डिश बनवाना चाहते हैं या जो आपको पसंद हो उस डिश की फरमाइश आप मुझे अपने कमेंट में करके ज़रूर बतलाइएगा। प्लीज़ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसकी आप ज़रूर बतलाइएगा और हो सके तो थम्सअप ज़रूर दबाइए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक थम्सअप तो बनता ही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल दबाने से मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे कबाब को ब्रेड क्रम्स में लपेट के रख लिया। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और जब इसे फ्राई करना हो उस समय आप फ्राई कीजिए। मैं ऐसे आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही कम ऑयल लेते हैं, सोखते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। प्लीज़ ट्राई इट फ्रेंड्स। देखिए अब मैं अपने कबाब को तलूँगी। इसमें मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने लोहे के कढ़ाई में तला है क्योंकि तलने के लिए लोहे की कढ़ाई सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा तेल बहुत तेल नहीं जलते हैं और तलने में भी आसान होती है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। हमें तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद गैस को स्लो कर देना है, नहीं तो फिर हमारे कबाब बहुत जल्दी जलने लगेंगे। ऑयल हमें मीडियम हॉट रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म भी नहीं रखना है और उसके बाद हम इसे तल के निकाल लेंगे। सॉरी आज आपको उतनी अच्छी पिक्चर नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी ट्राइपॉड थोड़ी टूट गई है और मैं दूसरे ट्राइपॉड से कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़े आज दिक्कत होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। क्योंकि अब होली के बहुत ही कम दिन बचे हैं और मुझे आपके पास 7 सारे डिश शेयर करने हैं, इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। तलने में तो मैं थोड़ा सा दिखला दूंगी आपको कि किस तरह हम इसे फ्राई कर रहे हैं। मैंने पहले ही अपने कबाब बना के रख लिए थे। जिस तरह से बाज़ार के नगेट्स मिलते हैं उसी तरह से ये हैं। इसे आप आराम से, आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में भी ठंडा होने के बाद जब ये फ्रिज हो जाए तो जिपलॉक बैग में करके रख दीजिए। ये 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से ये तल रहे हैं, एकदम हमारी ऑयल भी गंदा नहीं हुई। क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो इससे ऑयल भी गंदा नहीं होगा और इस ऑयल में फिर आप बाद में दूसरी चीज़ भी तल सकते हैं। दोस्तों मिडिल क्लास में वैसे भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैं ऐसी रेसिपी लाती हूँ जो कि हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो। प्लीज़ फ्रेंड्स थम्सअप ज़रूर लगाइएगा, इतनी मेहनत के बाद तो एक थम्सअप बनती ही है और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। देखिए हमारे कबाब बिल्कुल तल गए थे और अब मैं इसी तरह से दूसरे कबाब भी डाल दूंगी। मैंने पहले ही बताया था, आज थोड़ा सा फ़ोटो में आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है चूँकि मेरे ट्राईपोड के चलते। इसी तरह से मैं सारे कबाब को तल के निकाल लूँगी और उसे टमाटर सॉस
और सलाद के साथ सर्व कीजिए। एज यू विश, आप चाहें तो प्याज, टमाटर, खीरा कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ। वैसे भी ये कबाब बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी और उनसे आपको बहुत ही तारीफ भी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। मैं दूसरे लोगों की तरह दिखा नहीं सकती हूँ कि खर खर कर रहे हैं या कितने कुरकुरे हैं, फोर्क से करके मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, आप खुद ही बनाइए और उसके बाद कमेंट करके मुझे जरूर अवश्य बताइए। अगर आपको अच्छे नहीं लगे हो तो वो भी बताइए, और अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों वो भी बताइए। देखिए मैंने सारे कबाब को तल दिया, लेकिन हमारे तेल कहीं भी गंदे नहीं हुए हैं, सारे के सारे ब्रेड क्रम्स उसमें चिपक गए थे। मैंने कुछ कबाब को तल लिए हैं और तल के मैंने इसे टमाटो केचप और साथ ही मैंने टमाटर के सलाद के साथ मैंने ऑनियन के साथ सर्व किया है। कितने टेस्टी और यमी लग रहे हैं। फ्रिज करने के बाद ये बहुत ही कुरकुरे हो गए थे, इसलिए आप जब भी बनाइए तो सुबह बना के इसे कम से कम 7-8 घंटा के लिए फ्रिज भी कर सकते हैं। उससे ये इनका ब्रेड क्रम्स एकदम भी नहीं हटा और इनके अंदर की जितनी भी पानी थी उसे ब्रेड क्रम्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। और ऐसे भी टिप्स है, जब भी आप काबली चना क्रश करें या पीसे उसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, उसे सूखा दरदरा क्रश करना है। आप लोग रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।